जय हिंद, सीआरपीएफ एससीएम और एएसआई स्टोनो, जो फॉर्म भर लिए हैं वो क्या क्या गलतियां कर दिए हैं और जो फॉर्म भरने वाले हैं वो क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे, हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और देखिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएंगे, आपको ध्यान देना है जो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें जो नाम लिखा है, जो डीओबी लिखी है, पापा का नाम जो है, माता जी का नाम जो है और एड्रेस जो है, सेम एड्रेस में आपको फॉर्म फिल करने हैं। उसी तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपको बनवाने हैं। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, जो आप अपना फोटो लगाए हैं, फोटो का बैकग्राउंड, जैसे मेरा कपड़ा ब्लू है तो आपको ये बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा है, तो आप विपरीत कलर के बैकग्राउंड की फोटो लगा सकते हैं जो 3 महीने के अंदर की फोटो हो। और आप ऐसी फोटो मत लगाइए कहीं मार्केट में गए हो या खुले आसमान में बाग बगीचे में खड़े हुए हो या किसी पार्टी में हो, वहां की फोटो मत चिपका देना, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, सिग्नेचर की बात जहां तक है, सिग्नेचर के लिए आपको बोला गया है कि आप व्हाइट पेज में ब्लैक कलर पेन से सिग्नेचर करेंगे और पूरे पेज में नहीं करेंगे, आपको छोटे में ही सिग्नेचर करना है। यदि आप ब्लू पेन से करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट आपको बता देता हूं, आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। यदि आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही आप अलग अलग मेल आईडी, अलग अलग फोन नंबर से फिल किए हों। आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। आप एससीएम में करना चाहे तो एससीएम में कर लें, एएसआई स्टोनो में करना चाहे तो एएसआई स्टोनो में कर लें। अगर आप दोनों का सोचेंगे कि हम दोनों फॉर्म फिल कर लेते हैं, हम दोनों में परीक्षा दे लेंगे, तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको बता दूं, जो फॉर्म भर चुके हैं और उनकी कोई त्रुटियां हो गई है तो वो सोच रहे हैं कि हम दोबारा से फॉर्म फिल कर दें, आप दोबारा से फॉर्म फिल ना करिए, या तो आप जो है एक ही फॉर्म को चलने दीजिए, आप पीएसटी टाइम, डीवी टाइम में ठीक करा सकते हैं। और नेक्स्ट आपको बता दूं, जो करेक्शन वाली बात जहां तक है कि आप क्या आपके पास करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, तो उस गाइडलाइन में आप देख सकते हैं, आपके सामने भी दिख रहा है, वहां पे बोला गया है कि आपका जो भी करेक्शन होगा या आपकी कोई गलतियां होगी उसको सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया गया है और ना दिया जाएगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि हम ईमेल आईडी या फैक्स के माध्यम से या तो बाय हैंड जा करके बताएं या कोई प्रूफ दें कि मेरा ये त्रुटि हो गया है, इसको सुधारा जाए, तो वो मान्य नहीं करेंगे, आपके फॉर्म को कैंसिल्ड कर देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको गंभीरता पूर्वक इस चीजों का ध्यान रखना है, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। जैसे अभी सीआईएसएफ का जब एडमिट कार्ड निकल रहा है पीएसटी के लिए, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर कि मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, मतलब उसमें एक चीज मांगा था कि आप फोटो के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो उसमें फोटो के नीचे कई लोगों ने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, जब डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखे तो आपका एडमिट कार्ड कहां से आएगा भैया। तो उसमें जब आपको जो पहले से गाइडलाइन दे दिया है, जो सर्कुलर निकाल दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको फॉलो नहीं करवाना होता उसे तो आपके इंस्ट्रक्शन में डालता ही नहीं वो चीज। तो आप कभी भी किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन को, गाइडलाइन को, एक केयरफुल्ली बोलता है, प्लीज सी केयरफुल्ली, वो पहले से बोल देता है इंस्ट्रक्शन वाला, देन अप्लाई, आवेदन फॉर्म जो बोलते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें। यदि और कोई समस्या आपके पास आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो सॉल्यूशन हो सकेगा उसका निवारण हम करेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा भी दबा देना, क्योंकि घंटा नहीं दबाते हो इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन जाता तो है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप घंटा दबाए रहेंगे तब जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।